देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 76 यानी 76वां है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत 76वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की 82 देशों की सूची में भारत का स्थान 76 स्थान मिला है। इस सूची में डेनमार्क को पहला स्थान मिला है और यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं सालाना बैठक से पहले की जारी की गई है। WEF ने कहा है कि सामाजिक बदलाव में 10% वृद्धि से सामाजिक एकता को लाभ होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब 5% बढ़ सकती है। रैंकिंग हेतु देशों को 5 कसौटियों पर परखा गया है। इसके 10 आधार संभवतः शामिल हैं। ये श्रेणियाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा पहुँच गुणवत्ता एवं समानता जैसे प्रौद्योगिक और कामकाज वेतन कामकाज करने वाले और संरक्षण एवं उन सब के लिए वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में कब लागू की जाएगी? तो वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जून 2020 को पूरे भारत में लागू की जाएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड का मीन्स यह है कि आपके पास जो है एक ही आधार कार्ड होगा और वो आधार एक ही राशन कार्ड होगा और वो राशन कार्ड जो होगा आपका वो आधार कार्ड से लिंक होगा, आधार कार्ड से लिंक होगा और आप जो है किसी भी दुकान से, भारत के किसी भी जो है सरकारी राशन की दुकान से आप राशन ले सकते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में लागू की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1 जून 2020 से पूरे भारत में एक राष्ट्र एक कार्ड योजना लागू कर दी जाएगी और 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत के केवल 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। इसमें जो है मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो 4.8 जो है इसका अनुमान है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए विकास दर का अनुमान घटा करके 4.8 किया है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2019-20 में भारत की विकास दर 6.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.8% रहेगी और 2021-22 में भारत की विकास दर 6.5% रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वैश्विक स्तर पर आधारित सहयोग, आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक व्यापार आधारित विकास पर बल देती है और इसकी स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में इसमें 189 देश शामिल हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुला कांत जिन्हें विश्व बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है वे किस बैंक की प्रबंध निदेशक हैं? तो यह SBI की जो है प्रबंध निदेशक थी पहले, अब जो है इनको कैबिनेट की नियुक्ति समिति में ने जो है चल्ला श्री निवासुल शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और पिछले वर्ष भारतीय स्टेट बैंक में के मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु लाकांत को विश्व का प्रमुख वित्तीय अधिकारी जो है नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का आयोजन 50वां सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने किसानों के लिए शुरू की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की है? तो UP गवर्नमेंट के द्वारा यह कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्यों के में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी जिनकी खेती में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या जो विकलांग हो जाते हैं। इसके अलावा UP सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को भी लागू करने का निर्णय लिया है।
इस योजना के तहत दूसरे के खेतों में काम करने वाले और फसल काटने के बाद फसल को साझा करने वाले जो बटाईदार यानी बटाईदार को भी शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों और उनके परिवार के 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्यों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए कोष से और राज्य के प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय में राज्य दिवस मनाया जाता है, मेघालय में जो है जो राज्य दिवस मनाया गया है वो कौन सा था? तो ये 48 नंबर का जो है राज्य दिवस मनाया गया है मेघालय में। तो देखिए, मेघालय में मनाया जा रहा है 48 यानी 48वां राज्य दिवस। मेघालय में 21 जनवरी को राज्य दिवस की 48वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह दिवस राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह तक मनाया जाएगा। संसद ने 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम 1971 पारित किया था, जिसके तहत मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया हुआ था। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को विधानसभा के साथ राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और इस प्रकार मेघालय का गठन असम राज्य के दो जिले संयुक्त खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स पर नक्काशी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वायुसेना के बेड़े में सुखोई विमान का शामिल जो है पहला जो है फर्स्ट जो है स्क्वाड सुखोई विमान को शामिल किया गया है, यानी वायुसेना में सुखोई विमान का फर्स्ट जो है स्क्वाड शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय वायुसेना ने सुखोई 13 MKI विमान के पहले स्क्वाड्रन को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने में सक्षम विमान को वायुसेना में तमिलनाडु में स्थित तंजावुर बेस में शामिल किया गया है। तंजावुर बेस उत्तम स्थानों में से एक है जहां पूर्व से लेकर के पश्चिम सहित हिंद महासागर में वायु और समुद्री तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया की उपस्थिति में स्क्वाड्रन को वायुसेना में शामिल किया गया। पुनर्गठित यानी 222 स्क्वाड, जिसे टाइगर शार्क भी कहा जाता है, ये घातक हथियार के रूप में काम करेगा जो हिंद महासागर में वायु और समुद्री मारक क्षमताओं में अहम भूमिका अदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राज्य चुनाव आयोग करेगा चेहरे पहचान ऐप का लॉन्च। तो ये तेलंगाना राज्य है, यह जो है चेहरे पहचान ऐप जो है का उपयोग करेगा। देखते हैं इसके बारे में, भारत में पहली बार तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग मतदाताओं द्वारा किए गए प्रतिरूपण को रोकने के लिए चेहरे की पहचान ऐप का उपयोग करेगा और यह मेडचल मालकजगिरी जिले के कुमपल्ली नगर पालिका में 10 चयनित मतदान केंद्रों पर पायलट आधार पर किया जाएगा। और हालांकि एक नकारात्मक परिणाम मतदाताओं को अपने उसको मिलेगा मतदाताओं को जो है एक नकारात्मक परिणाम मिलेगा। देखते हैं तेलंगाना के बारे में, तो देखिए यहाँ के जो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं इस समय तमिलसी सुंदर राजन हैं और CM हैं कलवाकंतल चंद्रशेखर राव। ठीक है, और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो लगभग जो है 3.52 करोड़ है। एरिया इसकी जो क्षेत्रफल जो है इसकी 11,02,077 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल है इसकी हैदराबाद और इसकी जो स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को की गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, किसे नवनिर्माण सैन्य मामले के विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को नवनिर्माण सैन्य मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र ने नवनिर्माण सैन्य मामले के विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में राजीव सिंह ठाकुर और शांतानु को नियुक्त किया है। विशाल गगन 5 साल के कार्यकाल के लिए रक्षा विभाग से के संकुचित सचिव होंगे। आशुतोष अग्निहोत्री को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। और अशोक कुमार परमार गृह मंत्रालय के तहत अंतर राज्य परिषद सचिवालय के सलाहकार होंगे। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी को ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है?
किया है तो वो विराट कोहली हैं, जिन्होंने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। 20 जनवरी 2020 को दुबई में आईसीसी द्वारा जारी ओडीआई रैंकिंग में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चार्ट में अपने शीर्ष दो स्थान बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन के बाद भारत ने 2-1 से जीत हासिल की और कोहली नंबर वन और रोहित नंबर टू में अपनी स्थिति मौजूद की। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों के बीच अव्वल रहे और बुमराह गेंदबाजी चार्टर में 764 अंकों के साथ जो है शीर्ष पर रहे हैं। देखते हैं ये क्वेश्चनों के वन लाइनर, यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान रहे 76वां। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे भारत में कब लागू की गई थी? 1 जून 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर अनुमान को घटाकर कितना किया गया है? 4.8%। किस विश्व बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। किस सरकार ने किसानों के लिए शुरू की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की है? UP सरकार ने। मेघालय में 48वां राज्य दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना के बेड़े में सुखोई विमान का पहला स्क्वाडर शामिल हुआ है। भारत में पहली बार तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग कराएगा और चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करेगा। किसे नवनिर्मित सैन्य मामले के विभाग के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो राजीव सिंह को। किस खिलाड़ी ने ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो विराट कोहली।